करते हुए मंच पर विराजमान हनीफ खान साहब, पवननाथ पासवान साहब एवं देश के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों को मैं सादर स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मेरा नाम की चर्चा हुई तो किसी शख्स ने कहा कि राधे भी हैं, श्याम भी है और राम भी है। यही हो रही है बात जब से। साथियों, आज का दिन, आज 23 तारीख है, 23 फरवरी है। 23 फरवरी को बाबा साहब ने तालाब में पानी पीने से जब दलितों को मना किया जाता था तो दलितों के लिए पानी के लिए जो है संघर्ष स्टार्ट किया था, संघर्ष प्रारंभ किया था। तो साथियों, आज उसी कड़ी में बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के लोग आज दलित और मुस्लिम को एक साथ चलने के लिए एक आह्वान किया है। साथियों, उस समय की क्या स्थिति रही जब मेरा नाम रखा गया राधे, श्याम और राम, तो मेरे नाम का विद्रोह हो गया, गांव में विद्रोह हो गया। इसलिए कि अगर राधे राधे भी है, श्याम भी है और राम भी है और तीनों मेरे भगवान हैं, अगर हम गाली भी देते हैं तो अपने भगवान को गाली देते हैं, अपने राम को गाली देते हैं, राधे को गाली देते हैं और श्याम को गाली देते हैं। तो साथियों, मेरे बाबा आपने जो नाम रखा था, रखा हुआ है, कुछ सोच के, कुछ समझ करके, उस समय के अवसर को देखते हुए, समय को देखते हुए रखा था। तो साथियों, आते हम सब्जेक्ट पे। पहला सब्जेक्ट है आरक्षण कोटा। साथियों, आरक्षण कोटा की बात जहां हो रही है, आरक्षण नहीं है ये, कोटा भी नहीं है ये, मेरा प्रतिनिधित्व है, हमारी सहभागिता, हमारा प्रतिनिधित्व हर जगह बराबर का होना चाहिए। बाबा साहब ने जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तीन चीजों को लेकर के इक्वालिटी को न पा करके उसको जो है संविधान में व्यवस्था दी, उसी व्यवस्था के तहत आज आरक्षण। लेकिन आरक्षण का वो हश्र होता है जब हम अपनी मांग मांगते हैं, जब अपनी जो है जस्टिफिकेशन को दिखाते हैं तो ये कहते कि जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन वही 10% आरक्षण के लिए 2 दिन में जस्टिफिकेशन बन जाता है, 2 दिन में पार्लियामेंट में पास होता है। तो साथियों, हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, यहां तक कि इस देश के सांसदों की भी बातें नहीं सुनी जा रही। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमारे प्रदेश के लोग पढ़े होंगे कि भारतीय जनता पार्टी 75 में 35 जो है पुराने प्रत्याशियों के नाम काटने जा रही है, उनको टिकट नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ कि 35 जो एमपी थे वो एमपी या तो निकम्मे थे, लोकतंत्र के तहत चुने गए वो एमपी अपने बगावत को, अपने डिमांड को इसी तरीके से रखते रहे, जिनकी बातों को मानी नहीं गई, इसलिए उनको जो बाहर किया जा रहा है, वो पार्टी विशेष के नहीं है। साथियों, दूसरी प्रमोशन में आरक्षण, जब सब चीज का प्रमोशन होता है, सब चीज की पदोन्नति है, पदोन्नति पाकर के वो बड़े पे जा सकते हैं, तो प्रतिनिधित्व के ही तहत
हमको भी पदोन्नति के तहत जाना चाहिए। तो ये कहा देखने ही नहीं, हम पदोन्नति में आरक्षण नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये सब मामले लंबित है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम वर्तमान में किस तरीके से इस डिसीजन को दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट वर्तमान में आंकड़े को इकट्ठा करके नहीं रखी है। चाहे 9% मुस्लिम आरक्षण की बात हो, चाहे दलितों को पदोन्नति में आरक्षण की बात हो, उसका जो है कोई भी आंकड़ा यह गवर्नमेंट नहीं रखी है। जो आंकड़ा रखी है वो आंकड़ा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसी को आधार मान करके और इसी को आधार मानने के लिए ये तैयारी किया। तो साथियों, ये गवर्नमेंट सही वास्तविक पिक्चर न सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही है, न समाज के सामने रख रही है। और जब भी मेरे डिमांड होते हैं, उस डिमांड को डाइवर्ट किया जाता है, उसको सुना नहीं जाता। साथियों, इसी कड़ी में आपका पुरानी पेंशन की बात है, सन 2015 में इसी मंच पे इसी जगह से सन 2014 में पुरानी पेंशन की जो है डिमांड शुरुआत की थी हमने। उस समय जब सन 2015 में स्टार्ट किया था तो लोगों ने कहा कि ये तो यार ये हमको पता नहीं, हमारा सब कुछ खो गया 2004। जितने भी नए रिक्रूट आप रिक्रूट होकर के 2004 के बाद आए हैं, उनको पेंशन नहीं मिलनी। उस पेंशन के तहत मेरा जस्टिफिकेशन था कि एक एमपी लोकसभा में चुनकर 10 दिन के लिए जाता है वो पेंशन पाता है, विधायक रहता है तो वो भी पेंशन पाता है, अगर नगर निगम का कहीं पार्षद रहा तो तीनों पेंशन पाता है। और हम 35 साल की सर्विस करके डिपार्टमेंट के साथ वफादारी करके रिटायर होंगे तो हमारे लिए झुनझुना मिलेगा, झुनझुना मिलेगा, झुनझुना बजाते हुए ये रिटायर्ड होंगे तो लेके जाएंगे। साथियों, इसके अतिरिक्त जब पेंशन के लिए बात होती है तो बातों को डाइवर्ट कर दी जाती है, ये 5% बढ़ा लो, 10% बढ़ा लो। अरे कोई हम मोल तोल थोड़े कर रहे हैं, जब पुराने वाले जो मिल रही थी वैसे करिए। अभी हाई कोर्ट लखनऊ ने दिया है जजमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है कि आप बताइए आप पुरानी पेंशन लागू नहीं करना चाहते हैं तो नई पेंशन आपको पसंद है क्या, आप भी नई पेंशन चाहते हैं, आप विड्रॉ कर लीजिए अपना, नई पेंशन में आ जाइए, जब वो लाभप्रद है तो नई पेंशन में आ जाइए। तो वो भी अभी गवर्नमेंट अभी जवाब नहीं दे पा रही। साथियों, जब 4 साल के बाद होता सीनियर सिटीजन के तक टिकट में रिलैक्सेशन मिलता है, 1/2, 2/3 जो है उसमें टिकट में कंसेशन मिलता है, जब जनरल आदमी को आप पेंशन के बाद 60 के बाद आप बेनिफिट दे सकते देते हैं, तो हम कर्मचारी 35 साल अपनी पसीना बहाते हैं तो भी हमको पेंशन न देने के लिए गवर्नमेंट ने वो ये आदेश पारित किया। और ये वो उस समय हुआ था सन 2003 और 4 के, सन 2003 में सबको पता है कि सन 2003 में किसकी गवर्नमेंट थी, इसी बीजेपी गवर्नमेंट की रिजिम का वो पुरानी पेंशन खत्म करने की बात की थी और उसने खत्म करके गई थी। तो साथियों, हम विषय बिंदु से आगे बढ़ते हुए भारतीय संविधान की सुरक्षा, भारतीय संविधान की आर्टिकल अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़े। इस समय भारतीय संविधान की आर्टिकल का कंपैरिजन किया जाए तो हर आर्टिकल में वर्तमान में संविधान के तहत यही मिलेगा कि वर्तमान में लोकतंत्र ना होकर के हर आर्टिकल के आगे जो है वो तंत्र हो गया है। अगर मकान बनाते हैं तो अभी उनका छिपा हुआ है वोट तंत्र, यहाँ कितने वोट मिलेंगे, कोई स्कीम ले आ रहे हैं वहां आकर लगाते हैं कि ये काम कर देंगे तो कितने वोट मिलेंगे, कोई नई परियोजना ले आ देंगे तो ये
इसमें कितने वोट मिलेंगे? अगर 10 चला देते हैं तो कितने मेरे वोट वहां वोटर हो जाएंगे? तो साथियों, भारतीय संविधान के हर आर्टिकल को देखें तो भारतीय संविधान का वास्तविक रूप से पालन नहीं हो रहा, न पालन करने के लिए तैयार है। इसके लिए मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पहले भी ज्ञापन दिए हैं, जो कि हमारी इंटेलिजेंस जानती है, आईबी के लोग हमारे जानते हैं कि कई बार मैंने इस मैटर को उठाया, लेकिन वो मैटर जो है चूंकि उनके हित का नहीं है, वो तंत्र के लिए नहीं है, भारतीय संविधान के विपरीत है, उनके हित का है, इसलिए वो लागू नहीं हो। तो साथियों, एक शब्द और बात कहूंगा कि हमारे भारतीय संविधान के तहत जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से ये जानते थे कि एक हमारा संसद दिल्ली में है, लेकिन वर्तमान में सन 2018 और 19 में हम लोग को यह पता चला कि एक जो है संसद धर्म संसद भी होता है। तो साथियों, ये तो आज तक हमने जो किताब पढ़ी उसमें धर्म संसद का जो है कहीं जिक्र नहीं है, कहीं बात नहीं है। नागरिक शास्त्र की किताब में वो चैप्टर आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि धर्म संसद है क्या। तो साथियों, हमारे अधिकार को छीनने का कार्य किया जा रहा है, उन अधिकार को जहां जहां जिन बिंदुओं को छीने हैं और छीन रहे हैं उनको सक्रियता से मैंने बताया है। जब से मैंने बताया है उस समय से इस गवर्नमेंट की नींद हराम हो गई। अगस्त में बताया, अगस्त से इनकी नींद हराम हो गई कि आदमी क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, क्या बता रहा है। जब सन 1931 के तहत जब पुराने इतिहास को जो पन्ने पर रखिए, पुरानी बातों को देखिए और वर्तमान को कंपेरिजन करिए, तो SC ST वर्ग कहाँ है, दलित वर्ग कहाँ है और मुस्लिम वर्ग का स्टेटस क्या है। तो साथियों, मैं बोलता बहुत कम हूँ, लिखता बहुत ज्यादा हूँ। इन दो सपनों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब आदि जनाब श्री राधेश्याम राम जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और हम लोगों को उम्मीद भी है कि हम लोगों को अनुच्छेद, जैसा कि गुलाम सरवर साहब ने कहा कि अनुच्छेद 341 की जो पाबंदी है वो ज़रूर हटेगी। उम्मीद इसलिए है कि दादी का पोता जब दादी के तीसरे बेटे को मुख्यमंत्री बना सकता है तो दादी का पोता जनता, देश की जनता की जो मुतालबात है उसको भी पूरा कर सकता है। तो बहरहाल दोस्तों, अब मैं अपने धरने को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में दिल्ली से हमारे 5 सूत्री मांगों की हिमायत करते हुए करने के लिए आ पहुँचे हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य जनाब हाफिज मोहम्मद कासिम साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और अपनी बात रखें। जनाब हाफिज मोहम्मद कासिम साहब, जलसे की निजामत कर रहे कारी ज़फ़ीर आलम साहब और हमारे बड़े भाई हामिद खान साहब, भवनाथ पासवान साहब जी, हसीन भाई साहब और हमारी बहन रिजवाना सिद्दीकी साहिबा, परवेज आलम खान साहब, शफी खान साहब और DC कपिल साहब, गुलाम सरवर साहब, OP गौतम साहब, भाई जाबिर साहब, धरने पर आए हुए तमाम साथी और जिसके लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई हाफिज़ गुलाम सरवर साहब,
ने काफ़ी अच्छे अंदाज में सभी को बतलाया और समझाया और सबको आगाह किया, और आगाह करते हुए उन्होंने अपनी बात में ये कहा कि जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता। और जो ये एकता की बात हो रही थी, हमारे भाई अभी बात कर रहे थे, ये बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा और ये सही भी है। इसीलिए एक शायर कहता है कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ दलितों मुस्लिमों का छूट जाएगा, अगर ये साथ दलितों मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दलित मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करते हैं और हम लोगों के हक को छीन करके ये अपनी हठधर्मी दिखलाते हैं। तो इसलिए आज ज़रूरी है कि हम लोग सब इकट्ठा होकर के इनसे लड़ने की एक ताकत पैदा करें और इनसे लड़ने वाले बने। मांगते मांगते तो बहुत साल गुजर गए, मांगने से कुछ भी नहीं मिला। जो 341 का मुद्दा है उसको भी बहुत साल हो गए, ये साजिश के तहत में किया गया था और आज तक इस साजिश के शिकार हम हो रहे हैं। तो इस साजिश को ख़त्म करने के लिए हमको सत्ता पर काबिज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सत्ता पर काबिज़ नहीं होंगे तब तक ये लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे और नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैं आप तमाम हजरात को यही कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि आप तमाम हजरात इकट्ठे होकर के और सत्ता पर काबिज़ बन जाइए, तभी हमारी बात की सुनवाई होगी और तभी हम और आप कामयाब हो सकेंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।